ओके गाइस, यस राइट, ये वीडियो मैं उस टाइमिंग पे बना रहा हूँ जिस पे मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं घर पे गेम्स खेले बिना मैं नहीं बैठ सकता. ओके तो मैं ये वीडियो में वॉइस ओवर मैंने डीले हुआ रहेगा या थोड़ा भी वॉइस ओवर में इधर का उधर और उधर का इधर हुआ रहेगा, तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ. और ऑफकोर्स ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में बोली रहेगी, ऑफकोर्स ये आप सब जानते हो मेरे को. ठीक है, अभी यू प्लीज़ एंजॉय द वीडियो और आई एल बी बैक सून विद अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम. हाँ, आज का वीडियो थोड़ा माफ कर देना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो. सो कंचू फेलस, यस राइट, वी आर बैक विद आर 100 डेज हार्डकोर वाला वर्ल्ड. यार राइट, आज हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें मालूम नहीं क्या करना है मुझे. एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं कोई लाइव स्ट्रीम नहीं कुछ नहीं ये वीडियो में शूट कर रहा था, वो भी ये कि बोर ना हो जाओ घर पे. एंड पिगी, उन सबको रहने देते हैं. मोमो मोमो कम, हम आपको तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते हैं. ठीक है, आ जाओ सब, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ. एक मिनट में तोड़ दूँ, सब सेटल हो जाए. ठीक है, अच्छा, मेरे बेटे आओ. तो मुझे आज की वीडियो के लिए प्लान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. पहले तो मैं ये ऑब्सिडियन का ब्रिक तोड़ दूँ, टूट जाए. तो अभी मैं सबसे पहले ओशन एक्सप्लोरिंग के लिए आया हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें, सबसे पहले तो वो जो अंडे जैसे चीज़ बना हुआ है ना वो पानी में, मेरे को वो देखना है क्या है वो चीज़. नहीं नहीं क्यों है, क्यों वो चीज़. चलो आओ गाइस, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए. एक मिनट, क्या एमसाइट, ओ माय गॉड, एमसाइट की पूरी खुदान है यहाँ पे. ओ बेटी जान, ओ लो लो लो, ओ एमसाइट ही एमसाइट, यार एमसाइट तोड़ो तोड़ो, एमसाइट ब्लॉक. ओ शिट, कुछ होता है नेदर वॉट की तरह है, छोड़ो, लेट इट बी. तो इसे तोड़ के देखते हैं, कुछ नहीं मिला. और मैंने थोड़ा रिसर्च किया हुआ है कि अगर हम एमसाइट को सिलिकॉन से तोड़े, जो एक्चुअल शार्ड है, तो वो हमें मिलता है. तो हम लोग उसके लिए सिर्फ अभी इनके ब्लॉक्स उठा लेते हैं जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे. बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा या नहीं मालूम नहीं, मैं ले रहा हूँ फिर भी, मालूम पड़ा काम आ गया बाद में. ठीक है, ये क्या है, वॉट इज दिस, क्या है ये, कैल्साइट. ठीक है, ये देखो मैंने जैसे बोला शार्ड को हम लोग सिल टच के बना नहीं तोड़ सकते, और मैंने फिर भी तोड़ दिया. कहते हैं IQ. चलो फिर से ऊपर चलते हैं. ओके गाइस, तो अभी मैं थोड़ा ये फार्मिंग का काम कर लेता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बंदा भूखा मर सकता है यहाँ पे. ये ऐसी चीज़ है, तो मेरे को फार्म को भी अपना थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना है, बट उससे पहले मेरे को नेदर पे जाके थोड़े बहुत काम करने हैं, क्योंकि आज मैं सबसे पहले अपने नेदर में जाऊंगा और इसको थोड़ा ग्रो कर दूं तो बेटर है, ताकि सीड्स लगा सकूं, जो बहुत बढ़िया चीज़, मतलब स्वाला लल्ला होगी. ठीक है, इन्हें लगा देते हैं, प्लेसिंग किया जाए, और अब मैं चलूंगा नेदर में. 8 दिन हो गया, 8 दिन में मैंने कम से कम ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, बस एक नेदर पोर्टल बनाया और शायद से मेरे पे सिर्फ 2 डायमंड है. थिंक सो कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक जा रहा है. ओके, अब नेदर जाने की बारी आ गई है. मैं वो ब्लॉक तोड़ नहीं पाया तो मैं किसी और जमाने तोड़ूंगा. ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं. सर्दी, ओके सीधा 7 ब्लॉक, ओके शिट, नहीं मजाक हो रहा है, सीधा 6 Y डिग्री, मेरा 6 है. लावा 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 लावा, ओके चलो गाइस, मैं खोद के ऊपर तो आ गया. ओ शिट शिट, मेरे को थोड़ा सेफ्टी बना के चलना पड़ेगा, वरना मैं तो पक्का गिरूंगा. मुझे दूसरों का मालूम नहीं, मैं तो पक्का गिरूंगा इस पे, अपने आप का ही कबर खोदूंगा मैं इधर, इतना मैं आई एम श्योर हूँ. ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो. कत्ता ही 0,
ओके कहाँ स्पॉन हुआ मैं, ये पहले थोड़ा रोशनी किया जाए यार, इतना अंधेरा नेदर में अंधेरा मैंडी, क्या ये मजाक है? माइनिंग करना उतरो, इतना लावा के आसपास भी अंधेरा हो रखा है। रोशनी ही रोशनी, एक मिनट वहाँ पे क्या दूसरा बायोम है? एक मिनट फॉरेस्ट बायोम उधर का, एक मिनट में फॉरेस्ट बायोम जाके आना चाहूँगा सबसे पहले। ओके गाइस तो मैं उधर एक ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, बट मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है कि मैं इसको इतना पूरा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को ऊपर से नीचे। यहाँ पे मैं एक सिंपल शॉर्टकट ऊपर का वे बना देता हूँ जिसमें आई थिंक सो बेटर रहेगा। तो ये जैसे ही बनता है मैं आपको तभी मिलता हूँ। एंड बूम इट जन, मैं थोड़ा यह पाथवे बना रहा हूँ मेरे वो बेड के स्पॉनिंग एरिया से लेके उधर तक का, जो आई थिंक सो प्रॉपरली मुझे वहाँ से लेके वहाँ तक सेटल कर देगा। तो ये वो छोटा बेस है जिसके अंदर से जाऊँगा मैं, अभी जाऊँगा नहीं, कूदूंगा नहीं, वरना मैं मरण को हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे थोड़े बहुत लैडर्स लगाने हैं जिसके लिए मुझे पेड़ की कटाई करनी होगी। और यहाँ पे मैं अभी अपना फार्म एक्सटेंड कर रहा हूँ यार, ये सब रिकॉर्डेड है, मैं ऑडियो बाद में डाल रहा हूँ तो आपको ऑडियो में डीलेंसी दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं अपने फार्म को एक प्रॉपर एग्जैक्ट साइज दे रहा हूँ जिसमें मैं अपने फार्म को बस उतना ही ग्रो करूँगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और ये जो फार्म का भी विड्थ दिख रहा है, विड्थ और हाइट मैंने जो पकड़ा हुआ है ब्लॉक्स के मुताबिक, ये मुझे लिमिटेड 50 वीट्स के ऊपर दे देगा, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, लिटरली मोर देन इनफ फॉर मी। 50 से ऊपर चाहिए क्या हमें? अब मैं यहाँ पे इसका एक तो पाथवे बना देता हूँ, है ना, पाथवे बना तो ना, हाँ पाथवे बना देता हूँ जिसकी वजह से एक प्रॉपर एंट्रेंस हो जाएगा मेरा। वहाँ पे भी मुझे थोड़े बहुत भरने हैं, वो मैं भर दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अभी थोड़े बहुत उगे, पूरे के पूरे नहीं उगे, बट मुझे ऑलरेडी 58 के आसपास मिल रहा है, 58 वीट्स। तो यप ये बहुत बेटर है। और इसके ऊपर जो सीड्स बचेंगे, ऐसा भी नहीं कि सीड्स ख़त्म पूरे इसी में ही, सीड्स बचेंगे, बहुत बचेंगे सीड्स। सबसे पहले मैं सीड लगाने का कार्यक्रम कर देता हूँ, ठीक है। ओके वीट लगाते लगाते मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आ गया था, उससे पहले मैं यहाँ पे अपना पूरा सामान सेट कर देता हूँ कि जो जो मुझे चाहिए चाहिए। ओके अब यहाँ पे मुझे उस चीज़ के लिए लगेगा हॉपर, यार राइट, मैं एक हॉपर बनाने वाला हूँ जिससे मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेगी। तो ये हो जाने दो, ये रहा ये चीज़, आप में से बहुत ज़्यादा लोग पहचान गए रहेंगे, ये है ऑटोमेटिक बोन मील फार्म, जिसमें से मैं जो भी मेरे पे वेस्ट सामान पड़ा रहेगा जैसे ओक सैपलिंग्स या सीड्स जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर पाते, उन चीज़ों को हम बोन मील में यूज़ कर सकते हैं, और उनके अंदर से जो बोन मील मिलेगा वो हम फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मेरे पे सिर्फ व्हीट का ही है, बट आगे जब मैं क्या बोलते हैं ज़ॉम्बीज को मारूंगा या किसी और को, तब मुझे बाकी सारे चीज़ें भी मिलेगी। अभी ऊपर से एक तो मैं माइनिंग के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादा इनफ भी नहीं था, क्या बोलते हैं क्या था वो बोन मील, मतलब सीड जिसके बोन मील मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा माइनिंग क्लिप डाल देता हूँ क्योंकि मुझे माइनिंग भी ऑफकोर्स ज़रूरी है, वरना इस गेम में सर्वाइविंग वुड बी वेरी हार्ड, और अगर अच्छी कमेंट्री ढंग से नहीं हो रही होगी तो सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है। जैसे सेट हो जाऊंगा मैं पूरा रेडी बेडी फाइन हो जाऊंगा, देन आई विल बी बैक विद द ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। तो थोड़ा आज के लिए सहन कर लो गाइस, प्लीज़ हाँ सॉरी। ओके माइनिंग करते वक्त मुझे ये एक ओपन केव मिल गया, और यहाँ पे केव में है एक स्लाइम, ओ माय गॉड स्लाइम्स, मुझे थोड़े स्लाइम्स मिल जाएंगे फाइनली इस वर्ल्ड में, दैट वुड बी वेरी गुड। एक ही स्लाइम मिला है बट ठीक है यार, मेरे को डायमंड्स भी तो नहीं मिले अभी तक, स्लाइम मिल गया, डायमंड्स नहीं मिल रहे ये वाले वर्ल्ड में ना, मालूम नहीं डायमंड बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक तो मैंने ये वर्ल्ड अपने सर्वर से उठाया था। हाँ मैं अपने जो SMP सर्वर था हमारा, जिसमें जिसका सिम्प SMP नाम था, वो सर्वर के लिए मैंने बनाया था, और उसके वक्त मुझे ये वाला वर्ल्ड मिला, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, ओह माय गॉड डायमंड्स, बात करते करते डायमंड्स, यस राइट टू ओपी ना, कितने डायमंड से चेक करते 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 चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पे टोटल 2 डायमंड के ब्लॉक उठा लो, मैं एक्चुअली सोच रहा था फॉर्च्यून 2 ले लूँ या 3, बट कब मिलेगा वो समझेगा नहीं ना।
तो उसके लिए भी वो एन्चेंटमेंट्स पाने के लिए भी विलेजर चाहिए, विलेजर तो है नहीं। अब मैं इन सारे सामान को यहाँ पर डाल देता हूँ, और मेरे दिमाग में ना एक बहुत बेहतरीन आइडिया है कुछ तो एक अच्छी चीज़ बनाने का, ठीक है। अब मुझे उस अच्छी चीज़ के लिए ना थोड़ा नेदर में से मैं ये अपने क्या बोलते हैं फार्मिंग के लिए बॉक्स ये ब्लॉक्स लेकर आया हूँ। हेलो क्रीपर, फटना नहीं, फटोगे ठीक है, फट गया, मेरा बोट उड़ा दिया तीने, बट ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, तो यार राइट, मैं अभी इतनी जल्दी घर बनाने वाला हूँ। आई थिंक सो बेटर ही रहेगा अगर मैं अभी घर बना के रखूँगा, वो पूरा जब भी घर बनता है वो उधर बाहर मैं लेटा रहता हूँ। कुछ ज़्यादा सेट नहीं हुआ है वर्ल्ड भी मेरा अभी तक, तो इतना बहुत बहुत बड़ा आइलैंड मिला है मुझे। एक्चुअली सच बोलूँ ना, नॉर्मल लोगों को जो आइलैंड मिलता है उससे मुझे बहुत बड़ा आइलैंड मिला है। बट ठीक है, बस यहाँ पे ओर्स की कमी हो जाती है, बीच बीच में तंगी हो जाती है। तो गाइस जैसे ही ये बनता है मैं आपको वैसे ही मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में घर बनाते बनाते एक आइडिया आया कि हाँ चलो हम एक एक्सपी फार्म बनाते हैं, क्योंकि एक्सपी फार्म बनाने का बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं, और ये वाले वर्ल्ड में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं अगर थोड़ा भी अंधेरा रह जाता है। तो आई थिंक सो एक्सपी फार्म बनाना वुड बी वर्थ इट, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो एक्सपी फार्म में से मिल जाती है। तो एक मैं छोटा टाइम लैप्स डाल रहा हूँ जिसमें मैंने एक्सपी फार्म का पूरा वर्कआउट किया, साथ ही साथ उसमें मैंने घर का भी वर्कआउट किया हुआ है। सो आप वो टाइम लैप्स देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। डेकोरेटिव एक्सपी फार्म बन गया है। डेकोरेटिव मैंने कुछ कुछ जगहों पे तो जानबूझ के डेकोरेटिव बना दिया, तो ये चीज़ें बाद में बात करेंगे, पहले हम सीधा सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होते ही सीधा हम इस आगे की चीज़ों पे ध्यान देंगे। ओके, तो अब बाकी मेरा घर बनाने की, तो उसे भी हम बनाना अभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में चलो यही चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स गो। Day 38 है और मैंने इस चीज में अपना एक्सपी फार्म और घर कंप्लीट कर दिया। सो दैट फॉर ऑल टुडेज वीडियो, टोटल 6 to 38 days हमने कंप्लीट किया है इस एपिसोड में। अब बाकी का जो डेज बचता है हम वो अपने लाइव स्ट्रीम में खत्म करेंगे। ऑफ कोर्स मेरी तबीयत खराब थी तो इसके वजह से मैं ये कंटिन्यू नहीं कर रहा था, और मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया था, वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ ना, क्योंकि सो गाइज दैट फॉर ऑल टुडेज वीडियो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साला बोलते बोलते सांस फूल रही है। And I'll meet you guys in next episode. Tab tak ke liye, goodbye.